और इधर 5 लाख के अंदर रूम है, 5 लाख में चुनावी मॉल जानेंगे कैसा रहेगा। जसनाथ जी जनरल स्टोर और जनता स्वीट होम के पास हूँ मैं यहाँ, और यहाँ से अभी जनता से रूबरू होएंगे और जनता की क्या राय है वो पूरी मैं आपको यहाँ से इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप वीडियो ज़्यादा शेयर करियो, कमेंट करियो, लाइक करियो, और मैं अभी आपको जनता से कराता हूँ बात, जनता का क्या रुझान रहेगा। इसी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, और यहाँ पे आप बात करा राजनीति री, राजनीति में कहो कहीं मोल रही। तो दोस्तों आज मारे साथ जुड़ी उड़ा रहे हो, आज मारा हाथ है युवा, और आन युवाओं आप कर ला राजनीतिक चर्चा, और राजनीतिक चर्चा कर ला 5 लाख अंदर। हमारे साथ है युवा राम राम सर। राम राम सर। कहना है सर आप? मुकेश गवाड़ा। मुकेश जी गवाड़ा। तो मुकेश जी मैं था नहीं पूछू, 2023 चुनाव आ गया। केड़ो कहीं मॉल लगे? तगड़ो मॉल है, नेता जीरो। किनो? नेता जीरो, हनुमान जीरो। हनुमान जी बहन यहाँ रखी हूँ सर मैं, आप तेज बता रहे हो जबरदस्त। तो सर लाल लिवार नारायण जी विदय का मतलब खींचर एरिया में कहो कहीं काम कराइयो? जबरदस्त काम हुई नारायण जीरो, कोई भी कमी नहीं काट सके। तो कई यूँ आरोप लगा रही है विपक्ष के भाई बिल्कुल धरातल मत काम कम हुई है, विपक्ष रुकाम ही आरोप लगाऊंगा ये तो, और विपक्ष रुकाम गई है। तो हमके यूं कई बात करिया के भाई क्यों सर के अंदर मतलब डावा डोल लागे तो थाना कहीं लागे यूं? कि डावा डोल नहीं, एक तरफ जीत है, एक तरफा, एक तरफा जीत है। आप एक तरफा जीत कह रिया हो, जका 40 साल आप रहते संघर्ष करिया रहूं राम जी डांगा बाने बीजेपी में, बीजेपी में गीपरा और बीजेपी में जान टिकट लिया हनुमान जी हम ही कहीं बात कर रिया होते। वो तो पिछता रिया है डांगा साहब, खुद पिछता रिया है की कर अब के मैं तो बीजेपी टिकट लेने आई हूँ नेता जी सामने, मैं टिक नहीं सकूँ यहाँ पे। गलत निर्णय ले लिया, गलत निर्णय लिया डांगा साहब ने, डांगा साहब ने, डांगा साहब खुद पिछता है, कल पछतावा आ गया यार, मैं कैसे नेता के सामने टिकट लेके आ गया। तो बीजेपी महीने भागीरथ जी मेयर या काफी टाइम जरूर आबे कांग्रेस में ज्वाइन होगा बो कई कारण हुयो? वो बीजेपी धोखो तो गया, बीजेपी में कमी है, बीजेपी में जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है उसको तो वो टिकट देते नहीं है। और 2 दिन से वो पहले तो 15 साल से ये डांगा साहब आरएलपी में थे, तो अब डांगा साहब को क्या हुआ? इतने दिन तो आरएलपी अच्छी थी, 20 दिन में डांगा साहब क्यों बदले? 2 दिन में परिवर्तन करके टिकट लेकर आ गए, बीजेपी राख नहीं सकती है डांगा साहब को, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कार्यकर्ता आज 50 साल से ये बीजेपी में काम करता था, उसको निकाल दिया तो ये डांगा साहब कौन सा है, उसको क्यों रखेगा? तो साहब आरएलपी आते जगदीश जी बीडीएस सर आबे बीजेपी में गीपरा? देखो बीडीएस सर तो जगदीश जी आरएलपी के साथ में थे, तो जगदीश जी कहाँ से जीते, कौन सी पार्टी से जीते? आरएलपी से जीते ना, तो अब क्या हुआ? तब बोल रहे हम बीजेपी से हनुमान जी को टक्कर देंगे। क्या टक्कर देंगे? आप खुद तो आरएलपी से जीते, अब क्या टक्कर देंगे दूसरों को? क्या टक्कर देंगे दूसरों को? क्या टक्कर देंगे? खुद आप खुद आरएलपी से बताओ ना, बीजेपी या कांग्रेस या निर्दलीय से, ये तो आरएलपी और से जीते ना। तो सर आपने किकर काई मोल लागे हम कह क्यों सर? अच्छा लागे हनुमान जीरो यो। तो साहब रमन जी डांगा कह रिया है जोरदार टक्कर दे, वहाँ नहीं देजिए, नहीं देजिए जगदीश जी बीडीएस से हाथे है, हाथे भली कोई वो नहीं, नेता जी निकलेगा। हाँ। 50,000 लीड निकली, 50,000 यहाँ तो हनुमान जी निकलेंगे, हनुमान जी रहेगा आज के दिन 50,000 की लीड निकली है। एक बात सुनो, हनुमान जी को रहेगा क्यों रहेगा? साहब रावण जी डांगा नहीं भाई आरएलपी में, हाँ और बे कह रिया मारो वोट बैंक बहुत तकड़ो है इन एरिया में, रावण जी डांगा आगे भी हनुमान के साथ में रहेंगे, बीजेपी वाले नहीं रखेंगे। तो आप भी मान चलो मेरिया साहब कितने महीनों से या कितने सालों से भाई बीजेपी के कार्यकर्ता रूप में काम कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? अब उसके क्या प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से, उसको निकाल दिया, वो कांग्रेस ज्वाइन की, बिल्कुल। तो दो ठीक लगे एकदम, नेता जी निकल रहा है और क्या, हनुमान जी की तो वोट नहीं करेगा साहब। आप कह रिया हो के नेता जी निकल रिया है, नारायण जी क्यों कौन खड़ा करिया? तो कहाँ से यहाँ तक वो तो आपकी भाई है भाई, मान ला मोटे भाई खड़े हो गया तो भाई में बीच में कौन बोला है? दो नारायण जी मान लिया साहब, गई कह रिया के नारायण जी आ रिया जना आप खड़ा हुआ? नहीं साहब कोई नारायण जी नहीं आ रिया, सेम चीज दोनों बड़ी कोई भी हो, और हनुमान जी आ गया हमारे तो वही नारायण जी जीत जाते, हनुमान जी का हनुमान जी जीतेगा बस। पर धरातल माते यूं कह रिया है भाई, हर आदमी बात करियो है कि आज दिन महीने बीजेपी टक्कर में है, आज धरातल माता बात कर रिया मिनक
देखो बात करने से तो कुछ होता नहीं है। बीजेपी यहाँ तो हनुमान ही जीते। बीजेपी तीसरे नंबर पे आएगी। बीजेपी का लास्ट वोट है 15,000 वोट। आप एक तो आरएलपी से जुड़े हो तब ऐसी बात कर रहे हो, हकीकतरी बात है। हकीकतरी बात है, आरएलपी से कोई बात नहीं है, हकीकतरी बात है। कहीं भी जाते हैं तो यही बताते हैं सब लोग, कम तो वो लोग तो बोलते हैं 7-8 हज़ार, 7-8 हज़ार नहीं तो 15,000 मान के इससे ज्यादा कुछ बीजेपी लेने वाले नहीं है। 15,000 ज्यादा नहीं आएगा साहब, कई 50,000 आंकना। वो तो बहुत बीजेपी वाला है, वो तो बोलेगा 1,00,000 वोट आएगा। आपको लगता है 1,00,000 वोट आ जाएगा ना उन डांगा का? देखो हम लोगों को नेता, पहले हम नेताजी के साथ में है, डांगा भी नेताजी के साथ में थे, तो हम डांगे के पीछे नेताजी को क्यों छोड़ेंगे? नेताजी ने हमारे यहाँ विकास में कोई कसर छोड़ी नहीं, हमारे कॉलेज बनवा दिए। बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला जाएगा, हम ऐसे फिरते नहीं है। हम तो हनुमान के फैन है, हनुमान को वोट देंगे, काम होगा नहीं होगा कुछ भी हो, काम में कसर तो कोई छोड़ी नहीं। इस साल जो और क्या काम है, विपक्ष के पास कोई है नहीं गिनने के लिए, काम तो फुल हो गया। तो वो बोल रहे हैं नेताजी ने तो को नशा सिखा दिया। हाँ ये बात एक मंच पे बार बार, नशा नहीं करता है, एक भी नशा नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा ही नहीं, सिर्फ कह रही है साथ जगदीश बिड़ा सर है जो कह रहे हैं हनुमान जी के पास में कुछ नहीं था, मैंने मेरे पैसों से गाड़ी खरीद के दी और बाद में चुनाव लड़ाने, ऐसी बात कर रहे हैं। कैसे नहीं है हनुमान जी के पास गाड़ी? कैसे नहीं थी? हनुमान जी के पिताजी थे, एमएलए थे, हनुमान जी खुद आज कॉलेज के अध्यक्ष थे। तो जगदीश जी तो भाई छोटे यही क्यूसर में थे ना, हनुमान जी का आप बाप दादा ही, आप राजनीति करता है तो उर्गर तो गाड़ी तो कहीं कमी थी। जगदीश जी का खुद करने 5 साल हुआ गाड़ी लिया नहीं, कहीं गाड़ी ली भाई? अटे कल फिर कह दिया के बावली अटे बैठ रहता के आनगन की नहीं और मैं पैसा देने आप बारे में गए, मैं बावली में बैठा रहता एंड जगदीश मान हनुमान जी के आग बता जे मारो कारोबार मोटो कर दियो हम कहीं है हम। तो जगदीश का की नहीं है आओ तो ये खुद है साहब अटी ने कह मारो पुल फुल पावर है, मैं मतलब बहुत ही अब की बार टक्कर देने वाला हूँ। पावर है तो टिकट बीजेपी के लाना चाहिए जगदीश को, कौन मना कर रहा है? टिकट लाना चाहिए बीजेपी जो जगदीश जी के साथ में पहले था ना पूर्व सरपंच, वो हनुमान जी के मंच पे दिखे नागौर मेरे रैली में पहला के, देखो ये देखो हनुमान जी ने ऐसे कर दिया। ओ भाई राजपूत जाट 36 कौम आज हनुमान जी के साथ में थी, हनुमान जी नामांकन करना है ना तो वहाँ इस थली का बेल्ट का लोग सब हनुमान जी के साथ में थे। बिल्कुल देखो दोस्तों इनका कहना है क्यों सर अंदर यहाँ हनुमान जी का पलड़ा ये कह रहे हैं भारी है, और आप ही कहीं राय ये कमेंट करें जरूर बताइए। कोई कमी छोड़ी नहीं तो हनुमान जी को हम क्यों छोड़ेंगे भाई? लाइट पानी बिजली शिक्षा साहब आप कह रहे हो विकास कमी नहीं है तो आम आदमी आरोप लगा रहा है कि 70 साल भाई क्यों सन लार धकेल दियो कहीं काम नहीं करे। 70 साल पहले तो 15-20 साल पहले तो कांग्रेस बीजेपी थी, हनुमान जी तो आज 20 साल बाद में विकास नाम बताओ ये विकास नहीं है, कौन सा विकास नहीं हुआ? विकास कौन सी पहले ट्रेन बहती थी तो अब ट्रेन नहीं है हमारे योगा ला रहे दिया कौन सी ट्रेन बना होते थे यहाँ जगह जगह सड़कें 20 साल पहले नहीं थी मुड नहीं था वहाँ पर सड़कें कितनी बन गई हमारे क्यूसर कॉलेज 5 कॉलेज विधानसभा में स्टेडियम सब चीज पंचायत समिति क्यों सर और क्या चीज है और क्या लेके जगह जीस बन गए घर घर बोरी नागने तो रही है हनुमान जी वो भी पुकारे कई बंदों को तो हाँ वही तो दे रहे हैं घर घर लाइट लगा दी घर साहब। रावण राम जी डांगा भावुक हुए थे कि हनुमान जी ने हमें निकाल दिया, रावण राम जी भावुक इसलिए हुए अब क्या करे, हमने जो नेता थे जनता के चाहते थे उसको छोड़ दिया, अब क्या निर्णय ले ये बीजेपी कांग्रेस हमको क्या देगी साथ थोड़े देगी। मैरिया साहब आज कितने सालों से संघर्ष कर रहे थे उसको हाँ उसको निकाल दिया तो डांगा साहब को कौन रखेगा? डांगा साहब साथ में आएंगे वापस। देखो दोस्तों इनका कहना है डांगा साहब के 15,000 वोट आएंगे, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। आरएलपी बीजेपी कांग्रेस दुर्ग सिंह जी चारों में कौन रहेगा क्यों सर का तेज और कौन मारेगा बाजी जरूर बताना। धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम।